इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम लोग धृतराज की सेवा में बालकांड का सविधि स्मरण किए। अहुमा विदाई अभी रही गई, फिर सुनेंगे। प्रभु कहते हैं तीर्थराज की महिमा कोई गा सकता नहीं, को कह सके, कौन कह सकता है, इतनी अप्रतिम महिमा है। अनुभूतियां बहुत अच्छी होती है। राजा के सात क्षेत्र हैं, सात उपांग हैं, राज्य क्षेत्र, देश, उसका राज सिंहासन, उसकी सेना, उसका कोष, उसकी मित्रमंडली और उसका आत्मस्वरूप। मानस में सब कुछ वर्णन किया है। तीर्थराज प्रयाग महाराज का संगम सिंहासन है। संगम सिंहासन सुठी सोहा, गंगा माँ का और यमुना माँ का जो मिलन होता है, वो संगम का जो दिव्य भाव है, स्वरूप है, वो तीर्थराज महाराज का राज सिंहासन है। वहीं तीर्थराज प्रयाग महाराज सिंहासन पर विराज रहे। संगम सिंहासन सुठी सोहा। उधर जाइए तो यमुना जी में नहाइए, इधर आइए तो गंगा जी में नहाइए, और बीच में जाइए तो त्रिवेणी जी में नहाइए। छत्र अक्षयवट, राजा जी हैं, सिंहासन है तो उस पर छत्र भी हो, अक्षयवट। प्रदेश की सीमा 40 कोस है और देश की सीमा 60 कोस है, पुराणों में वर्णन है प्रयागराज के महिमा में। हम आप जितनी दूरी पर रहते हैं प्रयागराज के क्षेत्र में रहते हैं। काशी क्षेत्र की सीमा 20 कोस मानी गई है। राजा हैं, राजा का सब कुछ विस्तृत होता है। श्रद्धेय श्री वेणी माधव जी महाराज इनके मित्र हैं। एक बात हम आपसे बार बार चर्चा करते हैं, हम वो नहीं है जो हम कह रहे हैं, फिर हमको हमारे बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। हम वो हैं जो हमारे मित्र हैं। जैसे लोगों की हमारी संगति हो गई वही हम हो जाएंगे। इसलिए माताएं बच्चों को लेकर बड़ा सावधान रहती, संगति न बिगड़े। वह आपने भजन सुना ना, आदत बुरी संहार लो, आदत बुरी सुधार लो, नहीं प्यार जी क्या संहार लो, क्यों सुधरेगा वो जो बिगड़ा होगा। फिर कथा है, हम बिगड़े नहीं सुधरेंगे क्या। इसलिए आदत बुरी संहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संहार लो, बस हो गया भजन। हलचल मन की तरंग,
सखा कैसे हैं? जैसे हम हैं, जैसे हम होते हैं वैसे हमारी मैत्री बना ले। कोई कुछ नहीं कहे, मित्रों की श्रृंखला हमारा परिचय है, हमारा सहज भाव है। तीर्थराज महाराज के सखा कौन है? वेणी माधव जी। आश्रम में कोई आया था, आप चलो दर्शन, आप चलूंगा, जा ही नहीं पा रहा हूँ। कल वो बिटिया का रिसेप्शन था, उसी में नहीं जा पाए, संजय पाणी की बेटी का, जा ही नहीं पा रहे हैं, क्या बताऊँ। नारायण है, जितने तीर्थ हैं सब राजा साहब की सेनाएं हैं, और हम आप इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि माघ मास में ये सारे तीर्थ यहीं सेना स्वरूप पधार करके और तीर्थ राज की सेवा में रहते हैं, एक माँ रहते, इसलिए आनंद आता। ऐसे नहीं आता, करते क्या है, सबके पाप का नाश करते। कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, यदि हम तीर्थराज प्रयाग में एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, एक माह, जय जय सारे सेन सकल तीर्थ बर भी कलुष अनेक दलने, सारे पापों का नाश सारी तीर्थ रूपी सेनाएं मिल करके कर देती। बिना कोष का राज नहीं, राजा है तो कोष है, कोष इकट्ठा करना पड़ता है तब मालिकाना हक होता है। तीर्थराज प्रयाग रूपी दिव्य महाराज का कोष धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थों से, चारों पुरुषार्थों से राज। आप कह सकते हैं, आप में से कोई भी कह सकता है, महाराज हम तो 20 साल से कल्पवास कर रहे हैं, हमको एको पदार्थ नहीं मिला। देखो आप, भजन की जो स्थिति है भगवान शिव जैसी करिए। शिव बाबा क्या कहे बाल लीला में, मन क्रम बचन छाड़ी चतुरा भजत कृपा करी है रघुराई, मन
क्रम मन से, कर्म से, वाणी से जो चतुराई रहित होकर किसी की भी सेवा करता है उस पर भगवान कृपा करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों से भंडार तीर्थराज महाराज का भरा है, हमको मिल नहीं रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सेवा में कहीं चूक है। चतुराई रहित होने पर ही फल प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा, संत की सेवा, मंदिर की सेवा। आप कोई मंदिर की सेवा करे कि मंदिर सेवा करे करे मंदिर को हम कब्जा ही कर लेंगे तो फिर ये तो सेवा का फल नहीं मिलेगा ना। फिर मंदिर मिल गया हो गया, सेवा का फल नहीं मिलेगा। कई लोग चतुराई करते हैं उनको लगता है, अभी मैं आज किसी से कह रहा था, आगे बेटा प्रकाश भैया बैठे थे, प्रधान जी भी थे, तो मैं एक बात कहा, देखो हमारे पास केवल तीन वस्तु स्थिर है, स्थाई है। क्या है? हमारा मन, हमारा धर्माचरण और हमारे पुण्य। न घर स्थाई है, न होटल स्थाई है, न स्कूल स्थाई है, न क्रेशर स्थाई है, सब यहीं रहेगा। तो स्थाई क्या है महाराज? हमारा धर्म आचरण स्थाई है, ये हमारे साथ चलेगा। हमारा पुण्य स्थाई है, ये हमारे साथ चलेगा। हमारा मन स्थाई है, मन को वर्तमान में रखते हुए सात्विक रखा जाए। मन में हलचल ना हो, मन की तरंग मन तो हिलता ही रहता है ना, मन की ये गति है। मन सदैव संकल्प विकल्प में रहता, उसका स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है, मन का स्वभाव है। ई करें कि वो करें कि करें, का करें न करें, हाँ करें कैसे करें, कौन कराएगा, मन की स्थिति ऐसी। तो महाराज करें क्या? जो धर्म कहता है वो करें। तीन के लिए साधन करना है, तीन ही के लिए प्रयास करना है। किसके लिए? धर्म के लिए। हमने आपको अगले वर्ष की कथा अनजाने में न दिया है, वो मेरी जन्म की कथा है। 21 को मेरा जन्मदिन होता है, कहीं ना कहीं हम उसको करते ही नहीं करते हैं, तो घर बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन इसलिए दिया कि इसी उत्सव में हमारा पुण्यवर्धन हो जाएगा। जब जन्म आएगा तो हमारे साथी लोग तो डगरते डगरते चले आएंगे, नहों का पुण्य बढ़ जाएगा। तो ये परमार्थ लाभ हमारे साथ रहेगा, यह जानकर मानकर। देखो परमार्थ में राजा साहब के सन्मुख हैं आप, कोई चतुराई नहीं चलती। परमार्थ में स्वार्थ रहेगा तो दोनों का नाश करेगा। स्वार्थ तो पूरा होगा नहीं, परमार्थ भी चला जाएगा। आपने सुना होगा, कोई महात्मा कथा सुना रहे थे, एक बच्चा कथा सुना कि धन को धन खींचता है, धर्म को धर्म खींचता है, पुण्य को पुण्य खींचता है, तो उसको सब बात छूट गई, समझ में आया धन को धन खींचता है। सेठ जी की दुकान पर गया, रुपया लिया था, ऐसे ऐसे खींच रहा था, हाथ में पसीना हुआ, रुपया सेठ की दुकान में चला गया। बोले क्या कर रहे थे? बोले पैसे से पैसा खींच रहे थे। तो कहे तेरे पास एक पैसा, मेरे पास सौ पैसा, सौ ने एक को खींच लिया, घर जाओ। ऐसा होता है। क्यों? हम चतुराई करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। श्री राम कथा में किसी स्तर पर आपको चतुराई दिखेगी नहीं, जहां चतुराई है वहां अशांति है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।